जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले अप्लाई करना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर सामने अदर वर्ड आ सकता है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या वह जाता है? डज ही गो? क्या वह गाती है? डज सी सिंग? क्या वे लोग पढ़ते हैं? डू दे रन? क्या आप लोग जानते हैं? डू यू नो? क्या राज यहाँ आता है? डज राज कम हेयर? क्या तुम समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? क्या श्रेया नाचती है? डज श्रेया डांस? क्या आपका भाई जानता है? डज योर ब्रदर नो? क्या हम लोग पूछते हैं? डू वी आस्क? क्या मेरी माँ खाना बनाती है? डज माई मदर कुक फूड? क्या तुम मेरी मदद करते हो? डू यू हेल्प मी? क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू वी रीड इंग्लिश? क्या वे लोग यहाँ आते हैं? डू दे कम हेयर? यहाँ का हेयर। क्या मैं लिखता हूँ? डू आई राइट? डू और डज? आई वी यू दे प्लुरल सब्जेक्ट के पहले हम डू लगाते हैं और ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। और एक चीज याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब का पहला रूप ही यूज होता है, वर्ब का पांचवा रूप यूज नहीं करेंगे। सब में आप देख सकते हैं V1 इस हिसाब से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। इसको सीखिए और फिर गेन करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।